जीचे जीते वंदे मातरम वंदे मातरम पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार बीजेपी को झटका लगा है। उपचुनाव में बीजेपी चारों सीटें हार गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा और उसकी सीटें 2019 से कम हो गईं। हालांकि उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर मार्जिन बहुत था और बीजेपी ने चुनाव में धांधली और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। आखिर क्या है बीजेपी की हार की वजह? हर सीट की एक एक करके बात करें तो मणिकतला में टीएमसी की सुदीप्ति पांडे ने 62,312 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया। इससे पहले इस सीट पर पांडे के पति साधन पांडे 3 बार जीत चुके हैं। लगातार 2011, 2016 और 2021 के चुनाव में वे जीते थे। हालांकि इस बार जीत का अंतर भी काफी बढ़ गया है। साधन पांडे के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव करवाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि पति की मौत की संवेदना भी सुदीप्ति पांडे को मिली और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं उत्तरी दिनाजपुर की रायगंज सीट पर टीएमसी के कृष्णा कल्याणी ने 50,000 से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। वो पहले भी इस सीट से जीत चुके थे। हालांकि पहले वो बीजेपी के टिकट से लड़े। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधायक के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार टीएमसी ने एक बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। इस बार चुनाव में जहां कल्याणी को 86,489 वोट मिले तो बीजेपी प्रत्याशी को 36,402 वोट ही मिले। जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में कल्याणी की लोकप्रियता रही होगी, जिसका फायदा उन्हें एक बार फिर मिला। नादिया के राणा घाट दक्षिण की बात करें तो इस सीट पर टीएमसी के मुकुट मणि अधिकारी ने 49,000 वोटों से जीत हासिल की। कल्याणी की तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधायक पद छोड़ा। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार को बड़े अंतर से हरा दिया। इसके अलावा बागड़ा सीट पर टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के विनय कुमार बिस्वास को हराया है। इस सीट पर बीजेपी विधायक बिस्वजीत दास के इस्तीफे के बाद चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में सीट पर टीएमसी ने 2011-2016 में जीत हासिल की थी। ये क्षेत्र महुआ समुदाय बहुल है। वो पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का साथ देता था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के खाते में केवल 12 सीटें गईं, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। क्यों चारों सीटें हार गई बीजेपी? बीजेपी अक्सर बेहद आक्रामक होकर चुनाव लड़ती है, जिसका फायदा भी उसे मिलता है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी का कैडर कार्यकर्ता सुस्त हो गया। उनके बड़े नेताओं ने भी उनमें उत्साह नहीं भरा। सुकांत मजूमदार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और वो अब केंद्र मंत्री है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संदेश खाली जैसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया।